दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीवी का न्यू नोटिफिकेशन जो आया है ग्रुप टू सब ग्रुप फोर के लिए। क्या फिर से यहाँ पर फॉर्म भरे जाएंगे या फिर जिन लोगों ने फॉर्म भरे थे उन्हीं लोगों का एग्ज़ाम यहाँ पर होगा। आइए देख लेते हैं क्या नोटिफिकेशन निकल के आया पीवी की साइट पर। और अगर आप लोग अभी तक सिलेबस भी यहाँ पर इसको भूल गए तो हम लोग सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे कि ग्रुप टू सब ग्रुप फोर का सिलेबस क्या है और किस तरीके से आप इसको प्रिपरेशन जो आपने की उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं पीईवी की वेबसाइट पर, या आप होम पेज देख सकते हैं पीईवी का। यहाँ पर आपको देख सकते हैं पुनः परीक्षा विज्ञापन जारी किया गया है जिसमें समूह पाँच भर्ती परीक्षा 2020 और इसके के प्रश्न पत्र हेतु पुनः परीक्षा है और समूह दो उपसमूह चार संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी के पदों हेतु भर्ती परीक्षा के संदर्भ में ये बात कही गई है। यहाँ पर हम आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीवी की जो तीन परीक्षाएं निरस्त की गई थी उनका पुनः परीक्षा कार्यक्रम निम्नानुसार आयोजित की जा रही है। आप देख सकते हैं पहली जो है वो है किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग की ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी की पुनः परीक्षा जो 11 और 12 दिसंबर 2021 को होगी। दूसरी है समूह दो उपसमूह चार के अंतर्गत सहायक सनपरीक्षक कनिष्ठ सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं अन्य पदों हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 ये भी पुनः परीक्षा है। ये 17 से 19 दिसंबर 2021 को होगी और समूह पाँच के अंतर्गत स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन फार्मेटिस्ट ग्रेड टू स्टीवर्ड ये जो परीक्षाएं हैं ये भी पुनः परीक्षाएं हैं और पुनः परीक्षा केवल नर्स संवर्ग के लिए पेपर के ये जो 23 एवं 24 दिसंबर 2021 को ये परीक्षा होगी। उपरोक्त परीक्षाओं में सभी पूर्व आवेदित अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। पुनः परीक्षाओं के प्रवेश पत्र समय अनुसार पीएबी की वेबसाइट पर जारी किए जाएंगे। परीक्षाओं की शेष शर्तें अर्थाएँ यथावत रहेंगी। ये दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन निकल के आया है पीईवी की वेबसाइट पर। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग 10 दिन पहले आपके जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 10 और 12 को जो दिसंबर को जो एग्ज़ाम है उसके एडमिट कार्ड लगभग 1-2 दिसंबर को आ जाएंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें तो 7-8 दिसंबर को ये एडमिट कार्ड आ जाएंगे समूह दो उपसमूह चार के, और ये समूह पाँच की अगर हम बात करें तो इसके एडमिट कार्ड लगभग 12-13 या 13-14 को लगभग दिसंबर को ये आ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सिलेबस है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें जो है प्रश्न खंड आ हायर सेकेंडरी लेवल, तो इसमें 100 अंक रहेंगे। आप देख सकते हैं प्रश्न खंड आ में सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, यानी कि 25-25 अंकों के प्रश्न रहेंगे 25 चौके 100। तो ये आपके 4 रहेंगे विज्ञान हिंदी अंग्रेजी गणित। प्रश्न खंड बाकी बात करें तो इसमें आपका सामान्य ज्ञान और अभिरुचि रहेगी 25 नंबर की, सामान्य कंप्यूटर रहेगा 25 और सामान्य तार्किक योग्यता रहेगी 25, सामान्य प्रबंधन रहेगा 25। तो 100 और 200 अंकों का ये पूरा प्रश्न पत्र रहेगा। ये इसका सिलेबस है। जो लोगों ने भी इसको जो है भूल गए थे सिलेबस, ये रूल बुक नहीं थी तो उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पर रूल बुक फिर से डिस्कस की है और इस सिलेबस को हमने यहाँ पर फिर से डिस्कस किया है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को फिर से एक नया बूस्ट दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।